हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रीति मेकअप। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ ईद स्पेशल मेकअप लुक शेयर करने जा रही हूँ। ये मेकअप लुक मैंने किया है गर्ल्स लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने दो तरह की हेयर स्टाइल आपको दिखा दिए, एक जूड़ा बनाकर और एक हेयर को ओपन करके। वैसे तो गर्मी है तो आप जूड़ा बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने मोर्फे का पैलेट लिया है, उसमें से मैंने ऑरेंज शेड पिक किया है, ट्रांजिशन शेड आजा। इसके बाद ब्राउन शेड लिया है और हल्के हल्के से ब्लेंड कर लेना जस्ट, और आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत ईजी है ये। और इसके बाद आपको कट क्रीज बनानी है। इसके बाद NYB का कंसीलर लिया है। अगर आपके पास कंसीलर नहीं है तो आप फाउंडेशन भी अप्लाई कर सकते हो, और इसको अच्छे से ही ब्लेंड करना है एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से, ताकि कोई भी क्रीज लाइन आपकी कंसीलर पे ना बने। तो आप फाउंडेशन भी लगा सकते हो, फिंगर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद कोई भी कॉम्पैक्ट लेना है और सेट कर लेना। मैंने यहाँ लैक्मे का लिया है और इसके ऊपर मैं लगाऊंगी जेल लाइनर। जितने में मैंने लगाया था अपना कट क्रीज बनाया है यानी कि कंसीलर, उतने में ही मैं जेल लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। आप काजल भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैं ब्लू स्मोकी आई लुक क्रिएट कर रही हूँ, तो यहाँ इसमें से मैंने ब्लू वाला शेड पिक किया। इसमें से जो हमारा डिज़ार कलर है काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा, इसीलिए मैंने इस तरीके से किया है। तो आप ब्लू शेड देख सकते हैं कितना प्यारा आया है। तो सेम लाइनर मैं ब्लू कलर का ही लगाऊंगी, ब्लैक नहीं यूज कर रही हूँ, ब्लैक नहीं यूज कर रही हूँ। तो आप ब्लैक यूज कर सकते हो, बट मैं ब्लू स्मोकी आई कर रही हूँ तो मैंने ब्लू ही लिया है। सेम जेल लाइनर मैं अपनी आईब्रो को फील करने के लिए ले रही हूँ, सेम जेल लाइनर मैंने लिया, कोई डिफरेंट नहीं। और अच्छे से ही फील करके एक सेट कर लूँगी ताकि जो हमारा स्ट्रा है वो निकल जाए। फिर मैं यहाँ पे सीरम लगा रही हूँ जो VLC का है। ये ऑल स्किन टाइप है और वाइटनिंग का भी काम करता है और आपकी स्किन में बहुत ही जल्दी ऑब्जॉर्ब भी हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा ये सीरम है, आप बाय कर सकते हो, बट अभी नहीं। इसके बाद मैं ले रही हूँ मॉइस्चराइज़र जो है मेरा लैक्मे का ऑल टाइम फेवरेट, बजट में है, 150 में आपको आराम से मिल जाता है। इसके बाद मैं 200 का फाउंडेशन ली हूँ, ये भी बजट में है और शेड मुझे याद नहीं है, मैं लिंक दे दूँगी आप देख लीजिएगा। इसको अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से मैं ब्लेंड करूँगी। इसमें थोड़ी सी ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम होती है, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा केकीपन देता है, बट आप जब ब्लेंड कर लेते हो ना बहुत ही अच्छे से तो ये बहुत ही अच्छा कवरेज भी देता है। 200 में बहुत ही अच्छा, लेकिन ब्लेंड करने में आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पर मैंने लिया हिमालया का बेबी पाउडर जो मेरे बाबू का है, इसी से मैं अपने पूरे फेस को सेट करूँगी। जो मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया था उसी को अच्छे से मैं सेट कर रही हूँ। इसके बाद मैं ले रही हूँ विल्टन वाइट का मिनी पैलेट जो है आई शेडो का, उसमें मैंने हाइलाइटर वाला शेड पिक किया। ये काफ़ी नेचुरल लुक देता है इसी वजह से, तो मैं हाइलाइटिंग हल्के हल्के से हाइलाइटिंग कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने NYB के लिपस्टिक ली है, मेरा शेड 12 है और बहुत ही अच्छा शेड है, आप देख सकते हो काफ़ी डिफरेंट लुक आ जाता है। तो ये रहा मेरा पूरा फाइनल लुक, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। काफ़ी इजी मेकअप लुक है, आशा करती हूँ आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो एयरिंग मैंने पहनी है वो 20 रुपीज़ की है। तो चलिए मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ, ओके बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़